तो भाई आज कैसे हो आप सभी। तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और फिर हम आ गए अपने दुकान पे और दुकान तो खोल दिए हैं। तो फिर आप लोग आज बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं फिर, तो आप लोग बने रहिए। ये है बाप और बेटा, इसको देखिए। इसका नाम बोका है, इसका बाप है ये। और ये इशारा से काम करता है और ये गंगे का दुकान हो गया। और देखिए इसको पकड़ के लाया जा रहा है, ध्यान खा के लिया। और इस ऑटो पे देखिए, तो कौन जगह छिका, कौन जगह छिका। और ये हमारा बेटा हो गया, और कुड़कुड़े के लिए यहाँ खड़ा है मेरा बेटा। कुड़कुड़े खाएगा, कुड़कुड़े खाएगा। तो कैरम बोर्ड हम लोग खेलने जा रहे हैं, देखिए आप लोग। आज लाइव कैरम बोर्ड खेलेंगे, दिखाएंगे आप लोग। सर जाओ सर, पहले सिंह देखा वाला भारी के चश्मा अपने खेलती तब ना है ना है कोनो, लेकिन दोस्त छनो गंडा जी ले चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले फोटो नहीं आवे जी, खाली बोर्ड टाइप। तो पहला खाता खोल रहे हैं, नहीं पीला पीलेगा, पीलेगा जरूर पीलेगा। चलिए 20 से खाता खुल गया मेरा, 20 से खाता खुल गया। और 20 इधर फिर पील गया, और ये 20 भी हो गया, 60 रुपया हो गया, देख सकते हैं आप लोग। और इसको नहीं मारेंगे, और इस पर मारेंगे, 60 20 80 हो गया, 80 रुपया हो गया हमको, देख सकते हैं। और भी चल रहा है, चलेगा। अभी नया खिलाड़ी है, इसको अभी पता नहीं है कहाँ मारेंगे क्या करेंगे। और फिर 20 नहीं पिला, और मंजीत अपना हैंड तोड़ते हुए भी इसको छक्का चुरा दिया, और हम भी इसको मार दिए, चले गया उस साइड। तो हम प्यून को टच करते हुए, कैरम बोर्ड का ही गेम आज दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि कैरम बोर्ड खेलने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और कैरम बोर्ड हमारे भाई सब लोग कैरम बोर्ड ही खेलते हैं। वाह वाह वाह, नाइस, पिलाओ उसको। वाह, 70 से क्यों ने सबसे पहले पिला लिया बताइए। 70 रुपया एक बार में दे दिया बेचारा। केचो हाँ भाजी ना, तो 20 20 एक बार में 90 हो गया इस भाई को। की गलत पता नहीं चल रहा था। कैरम खेलने में बहुत मज़ा आता है, और हमारे चौक का नज़ारा। और अभी धूप है बहुत ज़्यादा, मार्केट में धूप छाया हुआ है। और एक बार में 70 दे दिया, और ये गिट्टी नाचते हुए यहाँ आ गया गिनगिनाते हुए। और देख सकते हैं अभी 10 पिला लिया, फिर 90 हो गया भाई को, 90 200 हो गया। वाह नाइस शॉट, नहीं पिला और रिटर्न हो गया बेटी। कैरम बोर्ड का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और कैरम खत्म भी होने वाला है, 10 खिल गया मेरा और 10 उड़ गया, तभी से हुआ है हमको 110 रुपया हो गया है। और वो 10 रुपया फिर से पिला लिया। और 120 हो गया, और यार क्या
136 टू 50 110 36 चौक का माहौल देखिए, अभी पर्व है मुसलमान सबका और पर्व में ये सब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा के रहता है एनी टाइम। इसको आप लोग नहीं जानते होंगे, यही है ब्रजेश और ये हमारे भाई है, बड़े भाई है और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है। तो आज आप लोगों को फिर हम अपना रूम में जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे, आज बहुत ज़्यादा बात करेंगे आप लोगों से क्योंकि कुछ खास बात होगा आज की रात, कुछ खास बात होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ऑलरेडी आ गए हैं रोड पे, फिर यहाँ से अब अपना गाड़ी लेंगे, वहाँ साक्षी भी है और गुड़िया सिंह धमाल भी, तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है आज, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या चाहिए बिग फैन सर, नीतीश जी आपका बिग फैन सर, सर बिग फैन, सर बिग फैन, मेरे साथ एक फोटो लीजिए सर। यस सर, यस सर, मेरे साथ एक फोटो लीजिए सर। सर आपका बिग फैन, विकास भाई आपका बिग फैन है यार। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हेलो, गाड़ी सब घुमा, तो बस पहुंचने ही वाले हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है और किस जगह पे हुआ है। गाड़ी से निकल गए हैं हम घर से, आज के दिन हमारे गांव का हटिया है और देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और ये हमारे गांव है और ये चौक पे ही मेरा घर है और ये सब दुकान सब अपना ही जगह है और ये गाड़ी भी अपना है और बहुत अच्छे यहाँ का माहौल और बहुत अच्छा माहौल है इस एरिया का और हमारे गांव बहुत अच्छे हैं, देख रहे हैं, और सब अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं और हम भी एक बिजनेसमैन हैं, छोटा सा बिजनेसमैन है और ये हमारा हो गया द्वार पे। और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, वो देखिए ब्लैक कलर स्कॉर्पियो कितना अच्छा लगता है और हमारे मार्केट में चुलबुल नहीं होता है और बहुत अच्छे और मिलाते हैं आपको चांदी। ये भी लड़का ऑटो चलाता है, देखिए क्या नाम है, क्या नाम है, किसका टेम्पू है, किसका टेम्पू, नरेंद्र मोदी का, देख रहे हैं यही सब है। नरेंद्र मोदी का टेम्पू वो बताया लड़का, थोड़ा अवन लड़का है इसलिए ऐसे बोला, ऐसा नहीं बोलता था। और दिखाते हैं, ये हमारे कुत्ता हो गया। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी मैंने नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और फिर अब खाने के लिए जा रहे हैं, मम्मी आई थी बुलाने के लिए खाना खाने के लिए, तो फिर हम खाने के लिए जा रहे हैं और पापा आए हैं वो कार से, अभी तुरंत मधेपुरा में थे पापा मेरे, पापा और अभिषेक दोनों आए हैं, तो मम्मी हमको खाने के लिए लेके जा रही है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम जा रहे हैं खाने के लिए। और एक हमारी भाभी है, आपको बाद में दिखाएंगे। तो हाँ, हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम तीन चार रोज से यूट्यूब पे देख रहे हैं अश्लीलता का साथ कौन कौन दे रहा है और कौन अश्लीलता फैला रहा है, तो आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में।
जो अश्लीलता का ढेर सपोर्ट करती है और वो खुद ही अश्लीलता वीडियो बनाती है और अश्लील अश्लील बातें का अफवाह फैलाती है। तो आप लोगों को हम वीडियो दिखा रहा हूँ जो अश्लीलता वाले इसके वीडियो हैं, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में अंत तक बने रहे क्योंकि आज डायरेक्ट रिलाई होगा गोरखपुरिया भोजी का। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और देखे कि अश्लीलता कौन फैला रही है। तो इसका आवाज सुन लीजिए आप लोग क्या बोल रही है। नमस्कार प्रणाम अब कुछ भी नहीं करेगी, ये सीधा रेलेगी। देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसका वीडियो अभी तुरंत कुछ देर पहले आया है। इसका एक वीडियो इसमें सीधे रिलाइए का बात कर रही है। इसका सुनिए लैंग्वेज कैसा है, देखिए। सुने अश्लीलता कौन फैला रही है, क्या बोली सीधे रेलेंगे। तो सीधे अब किसको रेल रही है, रूपतारा ब्लॉग्स को। आप तो जानते होंगे रूपतारा ब्लॉग्स को। रूपतारा ब्लॉग्स आरती को लेके थोड़ी फेमस हुआ है। ये जो बोल रहा है और जिसके माइंड में है ये गलत बात है। बहुत दिन से विकास, और विकास तो बहुत दिन से यूट्यूब पे है, 2014 से ही है। तो गोरखपुरिया भोजी आप जो ये बोल रही है कि आरती से वो फेमस हुआ है, ये गलत बात है। और अश्लीलता तो तुम खुद फैला रही है, ऐसे तुम बोल रही है कि लग रही है कि तुम कैसा यूट्यूबर है। फिर आगे भी दिखाते हैं तुम्हारा और भी वीडियो है यार। तुम्हारा और भी क्या, ढेर सारा वीडियो है तुमको दिखा रहे हैं अभी। और आप लोग तू बोल कितना वीडियो खोज के देखो तेरा अश्लील अश्लील। अरे तू ई माइंड में रखा ना, तू सलाम बता रहा छे ककरो, लोग के समझा रहा छे कि ये गलत छे। तू कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, तू कॉन्फिडेंस तुम्हारा अंदर नहीं है। तुम्हारा और भी वीडियो दिखा दे जिसमें तुम खुद अश्लीलता फैला रही है। तो तुम्हारा और भी वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें तुम्हारा अश्लीलता वाले बहुत अच्छे अच्छे तरह से वीडियो बनाया हुआ है, तो दिखा रहे हैं तुमको। बोलने तो ना और कुछ हम तुरंत कर अश्लीलता वाला वीडियो निकाल दे, तेरा वीडियो देने जब तू वो बोलने जी। और ओकर मुद्दा उठ मानो भूल गया आज रूप में ओका जे अथी यार करे रे हार्ट अटैक आ गेले। हार्ट अटैक मैटर कत शुरू भेले उ बोलते काट दिया जे कि मैटर देखिए कहाँ से शुरू हुआ है। आप लोगों को बताते हैं, मैटर शुरू यहाँ से हुआ है। ये गुड़िया गोरखपुरिया जो है इसको जैसे बाबू होता है ना, तो बाबू होने के बाद क्या हुआ ना, सो बाबू दो चार रोज हो गया फिर तो घर पे आया तो ये बेचारे क्या बोलते हैं इसका जो भी नाम हो गुड़िया गोरखपुरिया का वो जो पति है हस्बैंड, तो वो क्या किए पूरे पार्टी उटी सब कुछ ख़त्म हो गया। सबको बुलाए थे, विष्णुराज भी वहाँ आए थे और मालती चौहान भी आई थी, ऐसा ऐसा ढेर आदमी आया था। तो फिर क्या हुआ उसका, उसकी वाइफ जो है ना, वाइफ को जैसे वो चक्कर नहीं आता है तो इंसान गिर जाता है। और इंसान गिर जाता है, तू ये ना कह कान की बढ़िया बात कर रहा था, ठीक है सुना। तो वीडियो में कहा अपना दोनों का टाइप का बोल भाव, दोनों का टाइप का तैयार दोनों के क्या, दोनों का टाइप का पॉइंट उठे हुए बोल रहे, चल ठीक दोनों का टाइप बात कर रहे तब तेरा भाई तो कहीं दो वीडियो में। अब हमारे साथ राजा भी जुड़े हुए जो अच्छा रहता वीडियो क्या था शुरू। अब राजा भी हम राजा को भी लेते हैं और मुद्दा उठाते हैं, तो हम राजा को भी लेते हैं इस वीडियो में और मुद्दा को आगे दिखाते हैं आप लोगों को, और कौन अश्लीलता फैला रहा है कि कौन नहीं फैला रहा है। तो आप लोग खुद एकदम उसका वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो हे गाइस हेलो, कैसे हो सभी, सब बढ़िया। तो ये बोलिए ना, हम तो बात ये है ना राजा की मुद्दा जैसे, हाँ हम सुने हैं गोरखपुरिया भौजी के
गोरखप्रिया भौजी जो एकदम पूरा अश्लीलता के बारे में बात कर रही है वो, लेकिन खुद अश्लीलता फैला रही है, फैलाती पहले भी अपना वो पहले वाला रूप नहीं देखी है क्या? आप नहीं देखे हो क्या गोरखप्रिया भौजी? आप रूपतारा ब्लॉग, विष्णु भैया सब के बारे में हरदम बुराई कर रहे हो। आपका वीडियो ना दिखाते हैं सबको, अभी देखिए नीतीश उसका असली वाला वीडियो ढेर सारा बनाया हुआ, वो खुद असली, और आप खुद यूट्यूब पे अपलोड किए हैं वो सब वीडियो, वो असली नहीं है क्या? वो असली नहीं है? दूसरे को तुम अश्लीलता सिखा रही है। आप यदि इसके 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 कमेंट में यदि कमेंट करोगे तो ये कैसा वीडियो बनाएगी वो देखिए आप लोग। वन सेकंड, ये वाला वीडियो देखिए। हमारे वीडियो मां के आगे के चले जाते हो, ये बताओ। सुनिए, तुम हमको ये बताओ, हम तुमको बुलाते हैं हमारे वीडियो मांगते हो आकर के, कौन कहता है आगने के लिए? मोदी जी शौचालय दिया, जाके आगना चाहिए शौचालय में। देखिए, देख रहे हो आप लोग कौन ये मोदी जी हगने बोल रहा है ये, और इसका गाली सुनाते, रुके एक सेकंड, ये गाली भी देती है भाई, बोलती है गाली अश्लील, मेरा वीडियो देखो, हम कभी गाली नहीं दिए, कुछ नहीं किए, ये क्या है? एक सेकंड फिर दिखाते आपको। आप लोग को तो पता ही होगा ये मुद्दा आज क्या बोलते हैं 4-5 रोज से चल रहा है, तो उसी के नाम पे सब व्यूज छाप रहा है सब एकदम। और ये इसका सबसे बड़ा गलती यहाँ गोरखपुरिया भौजी की है, ये सीधा मैं बोलता हूँ और आपको प्रूफ के साथ बोलता हूँ। आज के वीडियो में ये क्या किया है, ये वही गोरखपुरिया भौजी है। हाँ, रूपतारा के बारे में वो वीडियो बनाई, रूपतारा के बारे में पहले विकास के बारे में कुछ गलत बोला, आप लोग वीडियो देखे होंगे, विकास के बारे में कुछ गलत बोला तो रूपतारा वीडियो बनाई, और रूपतारा को ये हल्का में ले रही है, रूपतारा का क्या गलती है? और रूपतारा को उल्टा सीधा बोल रही है, और बोलता है क्या आरती के चलते फेमस हुआ है वो, कोई किसी के चलते फेमस नहीं होता है। विष्णु भैया को तुम क्या बोली, सबको तुम गड़ियाइए रही है, सबको तुम गड़ियाइए रही है, अपने आप को 30 मार का समझती है, अपने आप को 30 मार का समझती है। गजब यार, तुम अपना पहले वाला हिस्ट्री जाके देखो, ये जो जितने भी बोले हैं ना विष्णु भैया, ये मालती, जितना भी बोले हैं ना सब सही बोले हैं। आप खुद पहले अश्लीलता किए हो, अश्लीलता वाली बात कहाँ से आ गई यहाँ पे, ये पहले पॉइंट है, बात आई कहाँ से? वो बेचारा का बीवी बीमार, उसमें ये लोग इन्वाइटेड थे, गए खाने के लिए, तो आपको क्या दिक्कत हुआ? आपको दिक्कत क्या हुआ? आप बोले जाते तो पैसा दे देते, अरे भाई फोन पे का जमाना है तो फोन पे मार दो, यदि ज्यादा पैसे वाले हो गए तो। आप तो बोलते बहुत बड़ा यूट्यूबर है, हम भी गिनती में आते हैं बड़े यूट्यूबर के, ये लोग गए पूरी खाने हैं, और क्या बोले थे, पूरी खाने गए और कोई पैसा नहीं दिए, सब खगा के घर चले गए, और उसका देखा नहीं जो बाबू कहाँ से लाया था। अरे भाई 70 सब्सक्राइबर देखे हो तो कोई किसी के घर जाएगा, मानो वो भिखारी ही क्यों नहीं है। कोई किसी के घर जाता है ना, जब आमंत्रित होता है, निमंत्रण होता है, तो खाने के लिए जाता है, ना कि उसके अति के देखने के लिए, समझे? और वो खुशी से खिलाता है खिलाने वाला उसका, क्योंकि आज बेटा का छठा था। आप तो गए नहीं, बैठ के भाषण दे दिए, सबको बोल दिए गलती है, हम सही है, बहुत बढ़िया। अब वीडियो को आगे भी आपको दिखाते हैं वीडियो में, लेकिन अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे रोज। वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं दूसरा एपिसोड में। वही बात था तो आप लगाते फोन। हेलो लक्ष्मण, 5,000 रुपया हम आपके यूपी में आके अभी गोरखपुरिया भाभी के बारे में बोल रहे हैं, मेरे बिहार में जाके मेरे इलाका में आप बोल के आ जाइए, आपको वहाँ से जिंदा नहीं आने देगा। बीता बिहारी भी यहाँ आई हुई, सुन लीजिए आप लोग क्या बोल रही है, नमस्कार प्रणाम अब कुछ भी नहीं करेगी, ये सीधा रेलेगी। देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसका वीडियो अभी थोड़ा कुछ देर पहले आया है, इसका एक वीडियो, इसमें सीधे रेलाइए का बात कर रही है, इसका सुनिए लैंग्वेज कैसा है।
कैसे हैं आप लोग? और दिन भर नमस्ते अब नहीं करेंगे, डायरेक्टर ले लेंगे। तो अब जो अश्लीलता का ढेर सपोर्ट करती है और वो खुद ही अश्लीलता वीडियो बनाती है और अश्लील अश्लील बातें का अफवाह फैलाती है, तो आप लोगों को हम वीडियो दिखा रहा हूँ जो अश्लीलता वाले इसके वीडियो है। ये मुझे मैं से निकल के क्या कर रही है? कांड करने गए थे। कहाँ कर रही हो? बस सही सही बताइए। आप लोग देखिए भाई साहब, सुन लिए ना आप लोग, ये अश्लील नहीं है क्या? अब किसको डेल रही है? रूपतारा ब्लॉग्स को, आप तो जानते होंगे रूपतारा ब्लॉग्स को। रूपतारा ब्लॉग्स आरती को लेके थोड़ी फेमस हुआ है। ये जो बोल रहा है और जिसके माइंड में है, ये गलत बात है। 2014 से ही आरती से वो फेमस हुआ है, ये गलत बात है। और अश्लीलता तो तुम खुद फैला रही है, ऐसे तुम बोल रही है कि लग रही है कि तुम कैसा यूट्यूबर है। कंट्रोवर्सी ऐसा चल रहा है ना कि ये क्या बोलते हैं, विष्णु राज को भी एकदम अच्छा से पेल रहे हैं गोरखपुरिया भोजी, और आरती को भी पेल रही है। इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, रूपतारा ब्लॉग्स को भी, यानी कि सबको। ये अकेले आज 4-5 रोज से ना पूरे सिस्टम को हिला के रख दिए। अब इधर से हम लोग का रिलाई होगा, सबको एकदम लपेट लिया है एकदम, और सबको अश्लीलता सिखा रही है। क्या आप लोग इसको सपोर्ट करते हो भाई? ये खुद अश्लीलता फैलाती है और ये बोलती है कि ये अश्लीलता का सपोर्ट करती है, अश्लीलता खुद फैलाती है। तू अपने अंदर पहले झांक के देख लो, इसके बाद दूसरे को कुछ बोलना। ऐसा कर देगी जरा TRP के चक्कर में अपना पति को भेज दी नेपाल। ये जो इतने लड़ाई हो रहे हैं आज 4-5 रोज से यूट्यूब पे तहलका मचा हुआ है अश्लीलता को लेकर के, तो ये सारा फसाद का जड़ है गोरखपुरिया भौजी। तो प्लीज आप ऐसा मत करो। और यूट्यूबर सबको जो बोल देते हो तो उसमें तो सब आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और ये जो किए हो आप बहुत गलत किए हो, और किसी के बारे में अफवाह फैलाना अच्छी बात नहीं है। ब्लॉग को यहीं तक रखूंगा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज आप सभी को नीतीश आरती ब्लॉग्स में स्वागत है, क्योंकि आज भाई के चैनल में हम इनवाइट है है ना। और भाई के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, आज भाई भी आए हुए हैं घर पे। और मेरा घर ढलैया हो रहा है। कैसा लग रहा है रूपतारा घर ढलैया हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, तबीयत खराब था ठीक हो गया। और भाई हम चाहते हैं कहीं ना कहीं ये भाई जो है ना नीतीश भाई, ये हमारे बहुत करीब इंसान है, तो इसलिए आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करिए भाई, मेरे तरह इनको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए है ना। भले आप मेरे से 2% काट लीजिए, लेकिन इनको आप लोग जरूर सपोर्ट करिए है ना। कहीं ना कहीं हमारे साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इनको भी आप लोग सपोर्ट करिए। रूपतारा क्या कहोगे बताओ? ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे घर ढेर सारा आज खाना बना आप लोग को दिखाएंगे। और बहुत सारा खाना बना हुआ है, जैसे कि दाल भात सब्जी हींग हल्दी तो मीट मछली सब बना हुआ है ना। नहीं आज मीट मछली नहीं बनता है, उधर बन रहा है, हम खाएंगे नहीं खाइएगा उधर बन रहा है, छोटका दादाजी के यहाँ बन रहा है ना, तो हम लोग पुष्टांग खाएंगे ना जी, खाएंगे नहीं? तो छोटका दादाजी के घर जो नहीं खाता है मत खाओ, हम तो खेबे करेंगे है ना। जब पूजा पाठ सब कुछ हो गया तो पहले खाएंगे। और इधर देख सकते हैं मम्मी क्या कर रही है, यानी कि मम्मी बना रही है, यानी कि क्या है ये मूली, या उधर आंटी बना रही है क्या कहते हैं, जो भी है इसका प्रक्रिया, यानी कि आलू का सब्जी वगैरह बन रहा है। तो भाई अब जाके दिखाएंगे उधर छत का क्या प्रक्रिया है, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो में अंत तक है नीतीश भाई। और कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नीतीश आरती ब्लॉग्स में स्वागत है, आज हम भाई के चैनल पे ही आज ब्लॉग कर रहे हैं। और देखिए हमारे भाई साहब वगैरह हैं, ये छोड़ के ये मेरे भाई है ना, तो इसलिए तो हेलो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं, चौहान और विष्णु राज दोनों आए हैं, तो हम दोनों भाई अब यहाँ से निकल गए हैं। और हमारे ब्लॉग में शुरू से लेके अंत तक देखे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। आज बहुत कुछ दिखाएंगे आप लोग को, आप लोग को बहुत कुछ दिखाएंगे। और कहाँ जाएंगे तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहे, बहुत कुछ होने वाला है। विष्णु भैया भी आए हैं, चलिए। तो हम लोग ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुके हैं, फिर यहाँ से अब निकले कहाँ जाएंगे, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। और सब आदमी बैठ चुके हैं, चलिए देखा जी, क्या बोले की नाम से चैनल बता सब आज क्या जाते हैं। हाँ बोल दीजिए, सारा प्यार दीजिए मित्रों, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं आज किसी को खुशी, दो पल की खुशी देने। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं आगे, चलिए आइए, चलिए यहाँ से निकलते हैं सब। तो गाइस ऑलरेडी हम लोग अभी आरती के बाहर ही आ गए हैं, और देखिए और एक और दिखा रहे हैं, विकास और विष्णु भैया सब हैं।
आज आरती का फिर से इंटरव्यू, न्यू इंटरव्यू होगा और हमारे ब्लॉग में बने रहे आप लोग। और क्या बोलूँगा, आप लोग बने रहो, फिर अब कुछ देर में आरती का एंट्री होगा और सब भाई एकदम यानी कि कैमरा फेस ज्यादा नहीं किए हुए हैं इसलिए वो ये बहुत ज्यादा शर्माते हैं। आप लोग एक काम करिए भाई, प्लीज मेरे लिए इनका चैनल को है ना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दबा के करिए, व्यूज आए अच्छा, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर जो भाई हमसे प्यार सच में करते हैं भाई को सपोर्ट करिए यार, रियली मेरे साथ ही रहते हैं। कुछ भी आपको जानकारी या कुछ भी हो अगर आप इनसे पूछते हैं तो ये जरूर आपको बताते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट।